पूरा उसमें एक प्रक्रिया होती है जो हिमांशु बता रहे थे कि जो रेड क्रॉस के जो नियम है उसके उसके अनुसार होगा। मेरा सवाल ये है कि भारत ने तो यहाँ से लोगों को हटा दिया, दूर कर दिया, एक पूरा सेंसिटाइज कर दिया है, केवल आप लोग हैं और उसके पीछे जो है जनता पूरी रस्सी भी दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान साइड क्या आप देख पा रहे हैं? वहाँ भी भीड़ है, उधर से नारेबाजी कुछ हो रही है। दूसरे साइड जो है वो कहा जा रहा है कि पूरे भीड़ के बीच से परेड करा करके जो है विंग कमांडर को लाया जाएगा। हाँ देखिए मनोरंजन, हमें भी यहाँ से यही खबरें मिल रही है, जिस तरीके से मीडिया का जमावड़ा सरहद के इस पार है, वैसे ही पाकिस्तानी मीडिया का जमावड़ा सरहद के उस पार है। वहां पर भी समर्थक मौजूद हैं और यहाँ से संकेत ये मिल रहे हैं जो यहाँ से उस पार बात हो पा रही है कि वहां पर काफी भीड़ है। अगर वो परेड कराते हैं विंग कमांडर अभिनंदन की, तो वो एक वायलेशन होगा, एक उल्लंघन होगा अंतर्राष्ट्रीय नियम का। हमारे साथ अमितोज आए हैं और अमितोज कुछ खास जानकारी लेकर के आए हैं। बाबा अमितोज के पास चलते हैं। अमितोज, क्या जानकारी है इस बार आपके पास? देखिए पहली बात तो आप देख रहे हैं, मैं हर जगह घूम रहा था जब आप बात कर रहे थे और मैं फोन कॉल्स कर रहा था। हम यहाँ पे काफी घंटों तक से हैं, काफी लोगों से हमने बात करी है, काफी ऑफिशियल से, और मैं इतना ये कह सकता हूँ कि ये एक 15 मिनट का पीरियड पहली बार आया है जिसमें सब साइलेंट हो गए। अब इससे काफी काफी चीजें आपको समझ में आ सकती हैं सौरभ। इसमें हमने काफी रिपोर्टिंग करी है, इससे पता चलता है कि कुछ हो रहा है वहां पे, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है। अब इतना हमें जरूर पता है कि आप कह रहे हैं कि बीटिंग रिट्रीट पाकिस्तान की हो रही है या नहीं हो रही है, उसमें क्या हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को एक स्पेक्टिकल बनाया जाएगा या नहीं, ये हमें नहीं पता। पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, जैसे आपने ऑलरेडी दोहरा कह दिया है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स ये कहती हैं कि जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर होता है उसको इस तरह स्पेक्टिकल नहीं बनाना चाहिए था। जब हमने डीसी से बात करी थी आपने और मैंने, तो हमने यही पूछा था कि इंडिया ने तो अपनी बीटिंग रिट्रीट कैंसिल कर दी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी बीटिंग रिट्रीट कैंसिल करी है ये नहीं पता था। निधि, एक और बात बता दें यहाँ पर आपको, जो बीएसएफ है वो यहाँ पर असिस्ट कर रही है इंडियन एयरफोर्स को, और इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर सारे आखिरी फैसले ले रही है, और इंडियन फोर्स जो फैसले ले रही है उसको जो है एग्जीक्यूट करने में उसने उसने उसमें हेल्प कर रही है बीएसएफ। तो बीएसएफ यहाँ पर कोई कॉल नहीं ले रही है, वो कोऑर्डिनेशन देख रही है यहाँ पर। तो एयरफोर्स की दो टीमें हैं इस वक्त, पहली टीम लगभग 12 बजे आई थी जो कि जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करी थी, दूसरी टीम लगभग आपसे एक घंटे होने वाला है निधि, उस बात को वो टीम अंदर आ गई थी, और वो टीम जो दूसरी टीम आई एयरफोर्स की वो दिल्ली से है। हम नहीं कह सकते, पुष्टि नहीं कर सकते कि उसमें कौन से अधिकारी हैं, संकेत है कि कुछ बहुत सीनियर एयरफोर्स के अधिकारी हो सकते हैं। उसके बाद एक आर्मी की भी दो गाड़ियां अंदर गई थी, और अंदेशा भी ये है, संकेत भी यही है कि उसमें और उसमें यह भी संकेत दिया जा रहा है कि उसमें अभिनंदन की फैमिली भी होगी। इस समय पूरा शांति बनी हुई है यहाँ पर। सौरभ, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह